فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. अब देखते हैं पांचवी जो शर्त है यहाँ पे, चार शुरुत का बयान हो चुका है. पांचवा शर्त है मुकीम, कि अगर वो शख्स मुसाफिर है तो उसे इजाज़त, अगर वो मुकीम है तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो रोज़े को रखे. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में आपने जो आयत करीमा पढ़ी, फ़मन शहिद मिनकुम अश्शहरा फलियसुम, जो शख्स इस महीने को हालत इकामत में पाले उसे इस महीने का रोज़ा रखना है, फलियसुम उसे रोज़ा रखे. तो इकामत ये शर्त, पता चला कि अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हालत सफ़र में रोज़ा रखे, बाद में वो कज़ा कर सकता है. सफ़र की वजह से अगर किसी शख्स ने रोज़ा नहीं रखा तो बाद में वो उसकी कज़ा कर सकता है, लेकिन हुक्म के तौर पर मुसाफिर रोज़ा, मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना कैसा है? जायज़ है, वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है, क्या है? अगर मुसाफिर के ताल्लुक से देखा जाए कि उसके लिए रोज़ा रखना कैसा है, जायज़ है या हराम है या वाजिब है या मुस्तहब है, मसले में तफसील है. कोई एक हुक्म अगर हम उस पर सादिर करते हैं तो हुक्म सही नहीं होगा, मसले में तफसील है. जायज़, जायज़ वाला मसला पहले लेते हैं. सबसे पहले मसला इसमें जो आता है वो जायज़ का आता है, मुसाफिर के लिए जायज़ है. एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो हालत है वो हालत ऐसी है कि मैं रोज़ा रखूं या रोज़ा ना रखूं, बराबर है मेरे लिए, रोज़ा रखूं या रोज़ा. हमज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कहने लगे कि मैं रोज़ा रखूं या रोज़ा ना रखूं, ये दोनों ही हालतें मेरे लिए एक जैसी हैं. तो क्या कहा नबी सल्लम ने? इन शेत फसुम व इन शेत फ़ाफ़्तिर, अगर चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो ना रखो. अगर तुम्हारी हालत ऐसी है और अक्सर तुम सफ़र में रहते हो कि रोज़ा रखने से तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इख्तियार है, यानी जायज़ है. चाहो तो तुम रोज़ा रखो और चाहो तो तुम रोज़ा ना रखो, दोनों में से तुम जो चाहो दोनों का इख्तियार तुम्हें हासिल है. एक और रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो कहते हैं कुन्ना नग़्ज़ु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में ग़ज़वे करते थे. फ़मिन्ना सॉइम व मिन्ना अल-मुफ़्तिर, तो हम में कुछ लोग रोज़े से और कुछ लोग बग़ैर रोज़े के थे. फ़ला यजिदु सॉइमु अला अल-मुफ़्तिर वला अल-मुफ़्तिरु अला सॉइम, तो कोई दूसरे के ऊपर नाराज़ नहीं होता, ना तो रोज़ेदार और ना ही जो बग़ैर रोज़े के थे, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार नहीं करते कि भाई मैं रोज़े से हूँ आप लोग क्यों नहीं रोज़े से हो, और बग़ैर रोज़े वाले रोज़ेदारों पर ये क्या सूझा हुआ है, सारी नेकियाँ सफ़र ही में करनी है. तो कोई किसी के ऊपर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करते. आगे फरमाते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, यरौना, सहाबा का ख्याल था, अन्न मन वजद कुव्वतन फसाम फइन्न ज़ालिक हसन, उनका ख्याल था सहाबा ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, वो ये अन्न मन वजद कुव्वतन फसाम, कि जो शख्स रोज़ा रखने की कुव्वत अपने अंदर पा रहा है सफ़र के साथ साथ और रोज़ा रख रहा है, फहसन फइन्न ज़ालिक हसन, तो ये अच्छा है, फ़इन्न ज़ालिका हसन, तो ये अच्छा है.
وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرْ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو شخص اپنے اندر کمزوری پا رہا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. تو گویا کہ ہر شخص کے لیے اچھا وہ ہے جو اپنے اندر وہ پا رہا ہے, اگر وہ قوت پا رہا ہے تو رکھنا اس کے لیے ٹھیک ہے, اور نہیں قوت پا رہا ہے تو نہ رکھنا ٹھیک ہے. تو جس کے لیے ایک جیسا معاملہ ہو, روزہ رکھے یا نہ رکھے, وہ گویا کہ صحیح اور درست ہے, وہ چاہے رکھے یا نہ رکھے اجازت ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اپنے اندر قوت پا رہا ہے اور سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے رہا ہے, ضعف نام کی چیز اس کے اندر نہیں آ رہی ہے, کمزوری نام کی چیز اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے, تو جائز تو دونوں ہے, چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے, لیکن روزہ رکھ لینا یہ مستحب ہے. جائز دونوں ہیں, جائز دونوں ہیں, وہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے, جیسا کہ ان روایتوں کے ذریعے سے پتہ چلا جو بھی میں نے ذکر کیا, جائز ہے رکھے جائز ہے نہ رکھے. لیکن اگر واقعی اس کے اندر قوت موجود ہے, کسی طرح کا کوئی ضعف کوئی کمزوری وہ اپنے اندر سفر کی وجہ سے نہیں پا رہا ہے, تو روزہ رکھ لینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھ لینا یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے, جیسا کہ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کے تعلق سے صحابہ کرام نے ذکر کیا, نوٹ کیا کہ ہم سب دھوپ کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے سفر میں روزہ نہیں رکھ سکے. وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ ابن رواحہ, وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ ابن رواحہ, کہ ہمارے درمیان اگر کوئی روزے سے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عبداللہ ابن رواحہ, کیونکہ اس سفر میں دھوپ اور مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام نے روزہ نہیں رکھا, جائز ہے نہ رکھے, لیکن دو لوگ روزے سے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ. معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں جو قوت تھی, جو پاور تھی جسمانی اعتبار سے, وہ سفر میں اور حرارت اور گرمی کے باوجود وہ اپنے اندر اتنی قوت پا رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے ان کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو اگر یہ سچویشن ہے تو اس کے لیے وہ عمل بہتر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین کاموں کا انتخاب کرتے تھے, وہ چیز اپنے لیے اختیار کرتے جو کاموں میں افضل اور بہتر ہوتا, اور اس پر مداومت برتتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, جواز کے لیے کبھی کبھار کچھ چیزوں کو اختیار کر لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر قوت ہے اور وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ضعف کوئی کمزوری کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں آ رہی ہے, تو روزہ رکھ لینا اس کے حق میں بہتر ہے. تو یہ مسنون روزہ ہے سفر مسافر کے لیے, حکم یہ ہے کہ وہ مستحب ہے. تو یہ جائز ہو گیا اور یہ مستحب ہو گیا. اور تیسری جو شکل ہے وہ ہے کراہت کی, مسافر کے لیے کراہت کی شکل ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مسافر مشقت میں پڑ رہا ہے, مسافر مشقت میں پڑ رہا ہے, تکلیف اس کی بڑھ رہی ہے, پریشانی اسے لاحق ہے, تو اگر
इस तरह की सिचुएशन से वो गुजर रहा है तो रोज़ा ना रखना उसके हक में बेहतर है, और अगर कोई रखता है तो ये मकरूह होगा, नापसंदीदा होगा शरीयत की निगाह में। क्योंकि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हालत सफ़र में थे और कुछ सहाबे कराम आपके पास तशरीफ़ लाए और असर की नमाज का वक्त हो गया और ये बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपके ऊपर निगाह जमाए बैठे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वो मशक्क़त में हैं, लोग मशक्क़त में वाक़ हो चुके हैं, मशक्क़त में पड़ चुके हैं, लेकिन वो आपकी वजह से रोज़ा तर्क नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असर की नमाज के बाद आपने पानी तलब किया या कुछ तलब किया और असर की नमाज के बाद उसे उठाया, बुलंद किया यहाँ तक कि लोगों ने उसे देखा, पानी का वो प्याला आपने उठाया और लोगों ने उसे देखा और फिर आपने उसे पी लिया। क्यों आपने पिया? आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी और दिन ढल चुका था, असर का वक्त हो चुका था, उसके बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया इसलिए ताकि वो लोग जो रोज़े की वजह से मशक्क़त में आ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशक्क़त से बचाने के लिए आपने रोज़ा तोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि इस हालत में अगर कोई शख्स मशक्क़त में पड़ रहा हो रोज़े की वजह से तो उसे रोज़ा तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और रोज़ा उस हालत में भी रखता है तो ये शरीयत की निगाह में महबूब नहीं है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोज़ा नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर तक रोज़ा रख करके आपका छोड़ देना इस बात की तरफ ले जाता है कि आप उस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं जिसकी खबर आप तक पहुंची थी। हदीस के अल्फाज हैं, इन अन्नास कद शक अलैहिम सियाम व इन्नमा यंजुरून फीमा फअलत फदअ बिकदह मिन माइन बाद अलअस्र। मशक्क़त में लोग पढ़ रहे हैं, मशक्क़त में पढ़ रहे हैं और उसके बाद की ये सूरत हाल है, तो ये शरीयत उसे नापसंद करती है कि ऐसी हालत में कोई शख्स रोज़ा रखे। इसमें एक शक्ल ये भी आती है और वो थोड़ा शदीद है इससे कि वो मासियत और नाफरमानी के दर्जे में वो अमल पहुंच जाता है जिसे हम रोज़ा कहते हैं। रोज़ा रखना नाजायज़ और हराम है, रोज़ा रखना नाजायज़ और हराम है उस शख्स के लिए जो रोज़ा रखने की वजह से ज़रर में पहुंच रहा हो। जो शख्स ज़रर, जिस शख्स को ज़रर लाहिक हो रहा हो रोज़ा रखने की वजह से, तो ऐसे शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो रोज़ा रखे, उसके लिए सही और दुरुस्त नहीं है, उसे रोज़ा तोड़ देना ज़रूरी है, रोज़ा तोड़ देना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ख़बर पहुंची, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़र फ़रा रजुलन क़द इज्तमा अन्नास अलैह। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सफ़र में थे और आपने देखा कि लोग एक शख्स के पास इकट्ठे हैं। फ़रा रजुलन क़द इज्तमा अन्नास अलैह वक़द ज़ुल्लिला अलैह, और लोगों ने उसके ऊपर साया किया हुआ है। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते में सफ़र में रोज़ा रखना ये नेकी नहीं है, रास्ते में
जब ये सिचुएशन हो कि इंसान उसकी वजह से ज़रर में दाखिल हो रहा है, नुकसान उसको पहुंच रहा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है और वो गिर चुका है, निढाल हो चुका है और लोग उसकी मदद के लिए इकट्ठे हो करके और उस पर साया किए हुए हैं कि किसी तरीके, हो सकता है बेहोश हो गया हो, क्या कैफियत उनके ऊपर तारी हुई है जिसकी बुनियाद पर लोग उनके ऊपर साया करके और उन्हें उस तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं जिसमें वाक़ हो चुके थे। ये मंज़र देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, लैस मिनल बिर अस्सियामु फिस सफर। और उन्हीं की रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और अल्फाज थोड़ा सा इससे चेंज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुराए गमीम में पहुँचे और लोग रोज़े से थे तो आपने एक प्याला पानी तलब किया और उसे दिखा करके आपने पानी पी लिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर आई, इन बादन्ना से क़द सौम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये सब कुछ किया और रोज़ा आपने दिखा करके तोड़ दिया, प्याला मंगाया और पानी पिया, लोगों ने देखा आपने तोड़ दिया, इसके बावजूद भी कुछ लोग रोज़े से हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, ये नाफरमान लोग हैं, ये नाफरमान लोग हैं। ये सारी रिवायतें सही मुस्लिम की हैं, जो अभी मैंने सब पेश किए हैं सब सही मुस्लिम की रिवायतें। तो इससे मालूम हुआ नाफरमान, मासियत करने, मासियत का मतलब नेकी, मासियत माने गुनाह, रोज़ा रखें और गुनाह पाएँ, अच्छा काम है, तो ये नेकी नहीं है यानी गुनाह है, ये मतलब होगा इसका। पहली रिवायत में था ये नेकी नहीं है और इस रिवायत में है कि ये गुनाह है। तो ये काम करना जिसे हम रोज़ा कहते हैं, ज़रर अगर इंसान को पहुंच रहा है उस रोज़े की वजह से, तो नेकी नहीं बल्कि वो गुनाह का अमल है, यानी हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो इंसान ऐसी हालत में रोज़ा रखे। तो हालत सियाम में रोज़ा रखना जायज़ भी है, मुस्तहब भी है, मकरूह भी है, हराम भी है, और ये उसकी अलग अलग कंडीशन है जो ज़िक्र की गई है, जिसकी जो हालत हो उस हालत के एतबार से वो अपना हुक्म इख्तियार करें। छठी और आखिरी शर्त है, यानी वो लोग जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज है तो उनकी, उनके लिए छठी शर्त, पांच शर्तें गुजर चुकी, नंबर एक इस्लाम, नंबर दो अक्ल, नंबर दो बुलूग, नंबर तीन बुलूग जो बालिग हों, नंबर चार रोज़ा रखने पर कादिर हों, नंबर पांच मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, नंबर छः मवाने से खाली हो, मवाने से खाली हो, मवाने यानी रुकावटों से, यानी रोज़े के रास्ते की रुकावट वहाँ ना पाई जाए। जाहिर सी बात है रुकावट जब रहेगी तो वो चीज़ पाया ही नहीं जाएगा, जब रुकावट नहीं रहेगी तो वो चीज़ हासिल हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जो रुकावट बन करके रोज़े के रास्ते में खड़ी है, तो जब तक वो रुकावट मौजूद रहेगी रोज़ा नहीं रहेगा, वो रुकावट गायब रोज़ा हाजिर। तो रोज़ा कब फ़र्ज होगा? जब रुकावट नहीं रहेगी। क्या है रुकावटें? ये तो कुल दो रुकावटें हैं, नंबर एक हैज़, नंबर दो निफास। हैज़ जो महाना कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाँच, उसकी अक्सर मुद्दत 40 दिन है, इस बीच में वो कभी भी पाक हो जाए यानी खून का आना बंद हो जाए तो पाक साफ होकर के वो इबादत अंजाम दे सकती है। तो हैज और निफास ये दो रुकावटें हैं, जब तक ये रुकावट रहेगी रोज़ा नहीं रहेगा, जब तक ये रुकावट मौजूद है रोज़ा गैर मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान युसीबुना ज़ालिक,
कान युसीबुना ذلك, हमें ये सब चीज़ें आती थी. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, तो ये जितने दिन हम उसकी वजह से रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, तो रोज़े के कज़ा का हुक्म शरीयत की तरफ से हमें दी जाती थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कज़ा का हुक्म देते और सलात यानी नमाज के कज़ा का हुक्म नहीं देते. तो गोया कि बाद में उतने दिन वो कज़ा करेगी जितने दिन हैद और निफास की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकी. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. एक और रिवायत के अंदर है कि औरत क्या ऐसा नहीं है कि जब वो हालत हैद और निफास में होती तो रोज़ा नहीं रखती, नमाज नहीं पढ़ती, लम तसुम वलम तुसल्ली, क्या ऐसा नहीं है कि वो इस हालत में रोज़े और नमाज नहीं करती. فذلك من نقصان دينها, فذلك من نقصان دينها, ये है उसके दीन के अंदर का की कमी कि उतने दिन वो नमाज भी नहीं पढ़ेगी, उतने दिन वो रोज़े भी नहीं रखेगी. तो इन दोनों रिवायत से पता चलता है कि अगर ये दोनों चीज़ें या दोनों में से कोई एक अगर मौजूद है तो उसके होते हुए सियाम और सलात नहीं है, न तो रोज़ा होगा और न ही नमाज ही होगी. फ़र्ज़ करें कि एक औरत ने सहरी खाया और माशाल्लाह पूरे दिन वो रोज़े से रही. इफ्तारी का वक्त कितने बजे है आज शेख? 6:00 नहीं, 7:00 कुछ, या तो 7 ही बजे होगा या 7 बजे से कुछ. 6:54 या 57 या 58 ऐसे कुछ होगा. हाँ ऐसे कुछ होगा, यानी 7 मान ले कि 7 बजे, समझ लीजिए कि 7 बजे इफ्तारी है. अब 7 बजे है, 6:50 पे अभी इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ और हैज का खून आ गया. 5-10 मिनट पहले हैज का खून आ गया, 5 ही मिनट है उसको मुकम्मल कर लें, अभी क्या है, रोज़ा टूट गया. वो चाहे ना चाहे रोज़ा टूट गया उसका. वो 5-10 मिनट पहले अगर हैद या निफास का कोई भी मामला हुआ तो होने के साथ साथ रोज़ा उसका टूट गया. अब वो बाद में उस दिन की कज़ा करेगी. ऐसे ही अगर कोई औरत रात भर हैज की हालत में थी और फजर सादिक होने से कुछ पहले 4-10 मिनट पहले इनकताए दम का मामला ख़त्म हो गया, यानी खून के आने का सिलसिला बंद हो गया, पाक और साफ हो गई 5-10 मिनट पहले, सुबह सादिक होने से पहले, यानी अभी फजर कादिब चल रहा है, सहरी का वक्त चल रहा है, 5-10 मिनट पहले अगर वो क्या हो गई, पाक साफ हो गई, मतलब खून के आने का सिलसिला बंद हो चुका है, क्या करेगी वो? अब तो सहरी भी नहीं कर सकते. बड़ी मुश्किल से मुमकिन है एकाध घूंट पानी ले लो, बहुत ख़त्म हो गया. वो रोज़ा रखेगी, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उसके ऊपर, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, गरचे वो सहरी ना खा सके लेकिन रोज़ा उसको रखना होगा, क्योंकि अव्वले वक्त से वो पाक है, शुरू ही से वो पाक है, वहाँ कोई भी रुकावट मौजूद नहीं है. रुकावट नाम की चीज़ है ही नहीं. वो खाना नहीं खाए तो बात अलग है, पानी नहीं पिए तो बात अलग है, लेकिन रुकावट नहीं है. अगरचे उसने गुस्ल ना किया हो तब तक, क्योंकि नमाज बगैर गुस्ल के नहीं कर सकती, लेकिन रोज़ा बगैर गुस्ल के शुरू हो सकता है, रोज़ा बगैर गुस्ल के शुरू हो सकता है, नमाज के लिए गुस्ल ज़रूरी है. इनकताए दम ये पाकी है,
लेकिन मुकम्मल पाकी कि जिसके साथ नमाज अदा की जा सकती है वो गुस्ल के बाद ही है। इनकिताए दम को पाकी कुरान ने कहा है, लेकिन मुकम्मल पाकी जिसके साथ में हम नमाज भी पढ़ सकें वो गुस्ल के बाद ही है। तो ये दोनों ही हालतें, चाहे वो रोज़ा रखने की हालत में आखिरी वक्त के अंदर खून के आने का मामला हो तो रोज़ा बातिल हो जाता है, और अगर खून के आने का सिलसिला जारी हो और सुबह सादिक से कुछ ही मिनट पहले वो पाक हो रही हो तो उसे रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, नहीं रखती है तो गुनहगार होगी, रोज़ा रखना उसे ज़रूरी होगा। गरचे गुस्ल करने का मामला फजर का वक्त हो जाने के बाद ही क्यों ना पेश है, ऐसा करना जायज़ है कि वो नहाने धोने का मामला फजर का वक्त हो गया, अजान हो गई, कोई मसला नहीं, वो बाद में गुस्ल कर ले, उससे उसके रोज़े पर कुछ भी फ़र्क नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत का गुस्ल कब किया? बाज़ हालात में आपने सुबह सादिक हो जाने के बाद किया है। तो कोई भी शख्स जिसे गुस्ल की ज़रूरत हो, मर्द हो या औरत हो, और उसने अजान होने से पहले गुस्ल नहीं किया, अजान होने के बाद गुस्ल कर रहा है, रोज़े पर कुछ भी असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गुस्ल किया, कोई फ़र्क नहीं। उम्मतियों के लिए भी कोई फ़र्क नहीं है, जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही हुक्म सारे लोगों के लिए है। ये हैं चंद वो शुरूत कि अगर किसी के अंदर पाए जाते हैं तो उनका रोज़ा, उनके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज होगा। आइए फिर से एक बार दोहरा लें और इसी पर गुफ्तगू ख़त्म करें। नंबर एक, मुसलमान हो। नंबर दो, वो आकिल हो। नंबर तीन, बालिग हो। नंबर चार, वो कादिर हो। नंबर पाँच, मुकीम हो। नंबर छः, हर तरह की रुकावटों से खाली हो। ये छः शुरूत जिसके पास मैसर हैं उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं रखते हैं तो गुनहगार होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में इबादतें अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए। जो भी टूटी फूटी इबादतें हों अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कबूल फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته